मतलब नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं मोना, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं। तुम्हें पता है ना, बस कुछ मजबूरियां हैं। एक बहन को दूसरी बहन के मामले में इतना मजबूर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहनों का तो काम होता है ना एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ना कि साइड पे खड़े होकर तमाशा देखना। खैर छोड़ो, वैसे बताओ कि आ कौन रहा है, इतनी स्पेशल अरेंजमेंट्स हो किसके लिए हैं? सबको छोड़ो, एक सेकंड में आती हूँ। अच्छा मोना, जोड़े के नीचे ना ये पहन लेना। आई थिंक बाबर मुझे बुला रहा है, मैं जाती हूँ, तुम रेडी हो जाओ। हेलो मोना। हाय। बैठो बैठो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो आप पहले दिन से बहुत चेंज लग रही है। यावर, मैं तुम्हें बता रही थी ना मोना, उस दिन रात थकी हुई थी इसलिए तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव कर रही थी। और वो हम भी इसको बता नहीं पाए, सो बैड, बस हमारी गलती थी। हाँ, our fault। वैसे आज आप काफी हैंडसम लग रहे हैं। उस दिन से कई ज्यादा। थैंक यू यावर। मोना तो जब से तुमसे मिली है तुम्हारी तारीफें की जा रही है, तुम्हारी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस्ड है। बस वो उस दिन के रवैये की वजह से तुमसे बात नहीं कर पा रही थी, तो मैंने और बाबर ने सोचा तुम्हें डिनर पे इनवाइट कर लेते हैं, यू नो लाइक एन आइस ब्रेकर काइंड ऑफ थिंग। अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे पहले कॉल कर लेती मोना, बाबर के पास तो मेरा नंबर था। हाँ, लेकिन हर किसी के मिलने का एक सही वक्त होता है और तुम दोनों के मिलने का आज बेस्ट तरीका था, आई मीन बेस्ट टाइम था। और आई थिंक तुम लोग आराम से बैठ के बातें करनी चाहिए, राइट? हम जरा खाने का इंतजाम देख लेते हैं, तुम लोग आराम से बैठ के गैसअप करो, डिनर अरेंजमेंट्स। हाँ हाँ हाँ, लेट्स प्लीज बातें करें, बातें करें, इंजॉय।